नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश कुमार महतो है। दोस्तों, अखिलेश भाई एडिटिंग चैनल में आपका स्वागत है। किसी भी वीडियो को रील वीडियो का कन्वर्ट करना है ग्रीन स्क्रीन में कैसे किया जाता है, इस वीडियो में कंटिन्यू बना रहिए। देखिए मैं इस वीडियो को कैसे, इस रील वीडियो को, बैकग्राउंड को ग्रीन स्क्रीन में कन्वर्ट किया हूँ। दोस्तों, ये कैसे एडिटिंग किया जाता है दोस्तों, इस वीडियो में कंटिन्यू बना रहिए। वीडियो को स्किप मत करिए, देखिए पूरा फुल वॉच करिए। मैं अच्छे तरह से सिखाऊंगा काइन मास्टर से वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना, कैसे चेंज किया जाता है, ग्रीन स्क्रीन लगाया जाता है, इस वीडियो में बना रहिए। बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से दोस्तों मैं बैक जा रहा हूँ, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट दिख रहा है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जो साइज अपना लेना होगा वो साइज आप ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों, 16x9 का मैं साइज ले रहा हूँ। यहाँ से गैलरी से एक बैकग्राउंड इमेज लेकर आ जाइएगा ब्लैक कलर का। इस बैकग्राउंड लेंथ को मैं 15 सेकंड कर लेता हूँ दोस्तों। चलिए मैं 15 सेकंड की कर लिया दोस्तों, 15-13 सेकंड हो गया। उसके बाद यहाँ से बैक जाना है, उसके बाद एक ब्लैक कलर पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ कलर का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, ये वाला दोस्तों, कलर पर आप क्लिक करिए। यहाँ से ग्रीन कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, ग्रीन कलर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, लेयर का ऑप्शन में जाना है, लेयर का ऑप्शन है दोस्तों, लेयर में जाइएगा। यहाँ से मीडिया फाइल दिख रहा है यहाँ पे, मीडिया फाइल में जाकर जो वीडियो को आप रील वीडियो को चेंज करना है, बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा वो पहले वीडियो लेकर आइएगा। चलिए मैं दोस्तों वो वीडियो मैं यहाँ पर लेके आ गया हूँ, ये वीडियो मेरा ओरिजिनल वीडियो हो गया। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसका एक डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे, इससे आपको बुझाएगा कैसे चेंज किया। चलिए मैं डुप्लीकेट एक बना लिया लेयर, डबल वीडियो हो गया, इसको इधर में कर लेता मैं, इसको मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ। इस वीडियो के लेंथ को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लंबा हो जाएगा वीडियो। इस वीडियो पर क्लिक करेंगे, कैंची के ऑप्शन में जाके यहाँ स्प्लिट राइट वाला पर राइट से कट कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, इस वीडियो पर मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद क्या करना है, स्क्रोल करके भगाइएगा यहाँ पे, आपको ग्रीन कलर हटाने के लिए क्रोमा की का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्रोमा की में नहीं जाना है दोस्तों, यहाँ पे मैजिक रिमूव लिखा है, मैजिक रिमूव पर जाइएगा, यहाँ से रिमूव कर दीजिएगा। यहाँ से रिमूव हो रहा है, प्लीज नोट लिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा वेट कर लेते हैं दोस्तों। हमारे वीडियो देख ही रहे थे दोस्तों, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो। आप वीडियो देखते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं कर दीजिए दोस्त, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। थोड़ा देर वेट कर लेते हैं दोस्तों, प्रोसेसिंग करने में उसका समय लग रहा है। देखिए दोस्तों, उसका वीडियो का बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो गया है। उसके बाद क्या करना है, इसका मैं आवाज़ बंद करके आपको सुना रहा हूँ, आवाज़ म्यूट कर दे रहा हूँ, नहीं तो कॉपी कलम आ जाएगा, जानते हैं कॉपी कलम बहुत जल्दी मारता है। इसका आवाज़ मैं यहाँ से मिक्सर पर जाके इसको 0 पॉइंट करके उसके बाद आपको चला के दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, कितना अच्छी तरह से बैकग्राउंड इसका रिमूव हो गया, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ बैकग्राउंड में, अच्छा तरह से हो गया बैकग्राउंड रिमूव। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, कोई सा कलर आप बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। यहाँ से क्या करिएगा, यहाँ कलर पर जाइएगा, क्लिक कलर पर, यहाँ पर कोई सा कलर लगा सकते हैं, रेड भी लगा सकते हैं, यहाँ से जो कलर आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। इस वीडियो को सेव करने के लिए क्या करिएगा, कोने पर शेयर का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, तीर वाला कोने पर शेयर का ऑप्शन पे जाइएगा, यहाँ से अपना वीडियो सेव कर लीजिएगा, गैलरी में सेव हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह मैं वीडियो लेके आता रहूँगा दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार प्रणाम।